कल आपका जैसे रिवीजन टेस्ट हुआ था बेटा, क्वेश्चन नंबर वन, लेट मी रीड इट आउट फॉर यू बेटा। क्वेश्चन नंबर वन है, चंद्रशेखर लिमिट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, टाइम, मास और एरिया। तो इट इज ऑब्वियसली ऑफ मास बेटा, आपने ठीक किया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन बेटे डियर चिल्ड्रन, सेकेंड इज टू फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर और ए ट्री ऑन द अदर साइड ऑफ ए रिवर। The method used is parallax method, echo method, radar method, triangulation method. It is triangulation method. Over here, Bitty, I would like to suggest one thing more, that when we talk about the tree on the other bank of the river, it is an inaccessible object. So, वहाँ पे वो जो आपका h is equal to x upon cot theta 2 minus cot theta 1, something like that, वो जो relationship आप पढ़ा करते हो, that will be used up as such. Dimensions of length in the energy density. Energy density का formula लिखिए, जो भी है बेटा। Energy density का formula वैसे क्या होता है, you know or not? Dear children, energy density जो है, energy density, it is बेटे energy per unit volume को बोलते हैं। जरा लिखिएगा इसका dimensional formula सारे students बेटा। एनर्जी डेंसिटी का बेटे लेके देखो कितना क्या बना। ये एनर्जी होता है वर्क डन, वाले यूनिट्स होते हैं ना एनर्जी के, डायमेंशंस रादर। तो इट विल बी एम वन एल टू टी माइनस टू बेटा। तो एनर्जी बन जाएगा एम वन एल टू टी माइनस टू और वॉल्यूम बेटे बन जाएगा एल क्यूब। आपको क्या कहा गया है, डायमेंशंस ऑफ लेंथ, तो इट विल बी माइनस वन ऑब्वियसली बेटा। तो ये एल थ्री जब आप ऊपर शिफ्ट करोगे, इट विल बी एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू डियर चिल्ड्रन, और एल की डायमेंशंस आपकी माइनस वन के बराबर आपको मिल जाएगी, राइट बेटा। फोर्थ वन इज द लेंथ ऑफ ए रॉड मेजर्ड ऑन इन एन एक्सपेरिमेंट वाज फाउंड टू बी 2.48 मीटर, 46 मीटर, 50 मीटर, 49 मीटर, 48 मीटर। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड। इसमें आपको बेटे सबसे पहले तो परसेंटेज एरर जब आप निकालोगे, परसेंटेज एरर निकालने से पहले पहले आप सबका मीन लीजिए। मैं रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। लेंथ ऑफ ए रॉड आपको दिया गया है एल वन, क्वेश्चन नंबर फोर है ये आपका। एल वन इट इज बेटे 2.48 मीटर्स। लेंथ ऑफ द सेकेंड मेजरमेंट 2.46 मीटर। इन द थर्ड मेजरमेंट 2.50 मीटर्स। इन द नेक्स्ट मेजरमेंट 2.49 मीटर्स। इन द स्टिल नेक्स्ट मेजरमेंट 2.48 मीटर्स। पांच आपको रीडिंग्स उन्होंने दी हुई है, परसेंटेज एरर निकालने को कहा है। इसमें बेटे आप क्या करना था, आपने पहले तो आप सबका मीन ले लीजिए, बिकॉज आपके पास करेक्ट वैल्यू नहीं है। आप लेंथ का मीन वैल्यू निकाल लो जो भी आता है, वो जो मीन वैल्यू होगा उसको आप बेटे एक्चुअल वैल्यू मान लेंगे, ट्रू वैल्यू मान लेंगे, राइट? समझ लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद आप एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन द सेकेंड, एंड सो ऑन, एब्सोल्यूट इन द फिफ्थ मेजरमेंट निकाल लोगे बेटा, राइट? पुत्र लेंथी क्वेश्चन है, काफी ये छोटा नहीं है। देन आपको क्या करना है, इनका मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लेना है सबका, डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू सो ऑन करके। और मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद आपको फ्रैक्शनल एरर निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालोगे, आप मीन एब्सोल्यूट एरर को आपको जो एक्चुअल वैल्यू आपने निकाली है उससे डिवाइड कर देंगे बेटे, राइट? ध्यान दीजिएगा, पहले सारी वैल्यूज आपके पास आ गई, इनका मीन लिया, मीन में से इसको माइनस कर करके आपने हरेक की एब्सोल्यूट एरर निकाल ली, कोई नेगेटिव आएगी कोई पॉजिटिव आएगी। उसके बाद आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, सबके मैग्नीट्यूड लेकर ऐड करके फाइव से डिवाइड करके मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। फिर उस मीन एब्सोल्यूट एरर को इस एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर दिया, ये फ्रैक्शनल एरर आ गया। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा बेटे
परसेंटेज है, राइट बेटे? ये वही है जो हमने किया था एक दिन, किया था ना क्वेश्चन हमने कि रिफ्रैक्टिव इंडिसेस अलग अलग आपको दिए गए हैं, इट इज एब्सोल्युटली ऑफ दैट टाइप बेटे, राइट? हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 5, ए बॉडी कवर्स 10 मीटर्स इन द 4 सेकंड, 15 मीटर्स इन द 6 सेकंड ऑफ इट्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द नेक्स्ट 3 सेकंड्स। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टाइप, आपको बोला भी था मैंने। आइए थोड़ा आपको मैं गाइड करूं इसके बारे में, कैसे आप कर सकती हो बेटा। क्वेश्चन काफी आपका इंपॉर्टेंट है, आइए इसको देखें, सोचें, समझे पुत्र जी। ए बॉडी कवर्स 10 मीटर इन द 4th सेकंड बेटा, 10 मीटर डिस्टेंस जो है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये बेटा, 10 मीटर इन द 4th सेकंड है बेटा, एंड 15 मीटर इन द 6th सेकंड है। आपको डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द नेक्स्ट 3 सेकंड्स, मतलब आपको 6th सेकंड के बाद अगले 3 सेकंड्स में डिस्टेंस कवर्ड निकालना है। यही बात हुई ना बेटा, कल आपको याद होगा हम nth सेकंड वाला फॉर्मूला कर रहे थे, दैट इज s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाय 2 इनटू 2n माइनस 1 पुत्र। अब देखिए आपने 4th सेकंड में निकाला 10 मीटर का, जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका आ गया जी 10 मीटर u प्लस a बाय 2, 4th सेकंड है, 2 2s आर 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, सो 10 इज इक्वल टू u प्लस a बाय, नहीं 3 a बाय 2 कर दूं मैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं बच्चों, इधर आ जाओ। 15 मीटर्स इन द 6th सेकंड है, s nth हो गया 15, u प्लस a बाय 2 6th सेकंड है, 12 माइनस 1 आ गया बेटा, n को हमने पुट कर दिया ना 6, ठीक है, एंड वी आर हैविंग 15 इज इक्वल टू u प्लस 11 बाय 2 a, एक इक्वेशन ये बन गया बेटे, क्लियर हो रहा है ना? सॉरी दिस इज 4 2 आर 8 माइनस 1 शुड बी 7, यहां पे थोड़ा ठीक कर लीजिए, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करके v निकाल लो, सॉरी u निकाल लो और a निकाल लो बेटा, निकल जाएगा। फिर आप u और a यूज कर लीजिए, आपको नेक्स्ट 3 सेकंड्स में डिस्टेंस कहा गया है कैलकुलेट करने को, आपके पास आ जाएगा s 9, 9 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया, माइनस s 6, ये 9th और 6th नहीं है, ये आएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लगाओ t को पुट करो 9, ये आ गया s 9, 9 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर इसी फॉर्मूला में t को पुट करो 6, वो आ जाएगा 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। छोटा क्वेश्चन नहीं है ये, काफी लेंथी क्वेश्चन है बेटा, राइट बेटा? इसमें से फिर इसको माइनस कर दीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी देयर, राइट बेटे? समझ आ गई पुत्र, हो जाएगा, ओके बेटे। देन बेटे 6 है, 2 forces equal in magnitude act on a particle when square of their resultant is equal to 3 times their product, the angle between them in degrees is what? ये दो निकल गई ना आपकी equations, इनको आप इसमें से इसको माइनस कर लो, u आ जाएगा, u की वैल्यू इसमें या इसमें पुट कर दो, a भी आ जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड का फार्मूला ये होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s को आप 9 पुट कर दो, उन्होंने कहा है कि 6 सेकंड के बाद नेक्स्ट 3 सेकंड्स में, आपने टोटल 9 सेकंड्स में डिस्टेंस कवर्ड निकाल लिया, उसमें से टोटल 6 सेकंड्स का डिस्टेंस कवर्ड माइनस कर दिया, राइट बेटा? दैट विल बी द आंसर, ठीक है। इसमें nth वाला फॉर्मूला आप नहीं लगाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 6 है, टू forces equal in magnitude. Let me give a hint to this problem also, beta.
क्वेश्चन नंबर सिक्स है, टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एक्ट ऑन ए पार्टिकल, एक फोर्स को आप एफ कह दो, दूसरी फोर्स को भी एफ कह दो, बराबर हैं, व्हेन स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू थ्री टाइम्स देयर प्रोडक्ट, द एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू व्हाट, इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए रिजल्टेंट आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ एंगल थीटा अंडर द रूट होता है, ये हुआ इनका रिजल्टेंट व्हेन दे आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, इट विल बी एफ का स्क्वायर एन अदर एफ का स्क्वायर एन अदर एफ का स्क्वायर इनटू कॉस थीटा आ गया, ठीक। ये रिजल्टेंट जो है निकाला आपने, जो भी निकल गया ये, इट इज इक्वल टू थ्री टाइम्स देयर प्रोडक्ट, आर इज इक्वल टू एफ का स्क्वायर, प्रोडक्ट इनका एफ इंटू एफ, एफ स्क्वायर ही हो जाएगा ना बेटा, तो यहां पे आप फिर बेटे कंपैरिजन कर लीजिए, जो भी आपका इक्वेशन बनता है वहां से आपको एंगल मिल जाएगा, राइट बेटे। देन डियर चिल्ड्रन प्रॉब्लम नंबर सेवन, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द टू फोर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द टू फोर्सेस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, देन एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ द टू फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आपके पास जो भी है, इट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस बेटा, ठीक है जी, इनके बीच में एंगल रिक्वायर्ड है, तो मैग्नीट्यूड का सम जब आप करोगे दोनों फोर्सेस का, एफ और एफ अगर आप दोनों फोर्सेस को ले लोगे, इनका सम आप सिंपल वेक्टर एडिशन से निकाल लोगे, इनका डिफरेंस जब आप निकालोगे, एक वेक्टर को नेगेटिव ले लीजिए, ठीक है जी, अप्लाई कर देंगे अब आप, और दो जो रिजल्ट्स हैं आपके दोनों को कंपेयर कर दो, और आपका इसमें बेटा जो है ऑप्शन आई थिंक लास्ट वाला बन जाना चाहिए इसमें बेटा, चेक कर लीजिएगा एक बार, दैट इज आई होप कि ये आपका एक मिनट बेटे एक मिनट, ये बंद ही हो गया, नहीं 180 लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ द सम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, इसका मतलब है एंटी पैरेलल हो गई दोनों, है ना बेटा, तो ठीक है एक बार देख लेना करके, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, बेटे क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आपने कल किया था ए बी साइन थीटा, खाली मैग्नीट्यूड, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, इट विल बी ए बी कॉस थीटा, आपको कहा गया है कि ये इक्वल है, ठीक है जी, दैट इज ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये खत्म हो गया, कौन से एंगल पे दोनों साइन और कॉस थीटा बराबर होते हैं, आई थिंक ये 45 आपका आ जाना चाहिए, राइट बेटे, ठीक। देन बेटा केस स्टडी वाला आप कह रहे थे आई थिंक, है ना, ओके, केस स्टडी में स्टडी द फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा नॉट गिवन विद द हॉरिजॉन्टल, इट इज गिविंग ए वेलोसिटी, इट इज गिवन ए वेलोसिटी स्मॉल यू इनिशियली, इफ द एयर रेजिस्टेंस इज इग्नोर्ड इट इज फाउंड टू फॉलो ए पर्टिकुलर पाथ बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, इन ऑर्डर टू स्टडी इट केयरफुली द इनिशियल वेलोसिटी इज रिजॉल्व्ड इनटू द कंपोनेंट्स एंड द वेरियस रिजल्ट्स आर एनालाइज्ड, कल हम वेक्टर ही कर ही रहे थे आई थिंक, आपने
एक प्रोजेक्टाइल में बना ही देता हूँ बेटे, इट विल टेक ए मिनट रादर। सो आइए देखें, आपको उन्होंने एक एंगुलर प्रोजेक्शन वाला केस दिया हुआ है। ये आपका कुछ ये चीज आपको दी गई है, ये ओरिजिन है, इनिशियल वेलोसिटी यू है एंड इट इज फॉलोइंग दिस टाइप ऑफ पाथ। ये थीटा है, दिस इज यू कॉस थीटा एंड हियर इट इज यू साइन थीटा, है ना बेटा। आपको कहा गया है द हॉरिजॉन्टल रेंज इज फाउंड टू बी सेम when it is projected at which of the following pair of angles with the horizontal। आपको याद होगा हमने बात की थी एंगल थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा, ये दो एंगल्स का एक पेयर होता है जिससे आपके रेंज सेम होता है। अब आप देखो उन्होंने अगर थीटा आपको 15 डिग्री दिया है तो 90 माइनस थीटा 45 तो नहीं आएगा, ए ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंडली 25 एंड 65 ये आई थिंक हो जाना चाहिए, अगर ये 25 है तो 90 माइनस 25 कितना हुआ, नहीं बनेगा, 75 बनना चाहिए ना, ये 65 चाहिए। हाँ तो ये ठीक तो है, ये पेयर ही बना। तीसरा भी कंपेयर कर लें, 35 एंड 60 नहीं बनेगा, एक 35 का ले लोगे तो दूसरा 60 का नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा ये। फोर्थ है 55 एंड 15, ये भी नहीं बनेगा। सो हमेशा याद रखिए दो एंगल्स होते हैं जिनके लिए रेंज सेम होता है, एक थीटा एंड सेकंड 90 माइनस थीटा, आप पुट करके भी देख सकते हो वैल्यूज बेटा। सो इट मस्ट बी योर बी ऑप्शन, है ना बेटा। प्रॉब्लम नंबर 10, एट विच एंगल विद द वर्टिकल वन कैन एक्सपेक्ट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। डियर चिल्ड्रन, रेंज हमने कल बात की थी, थीटा जब आपका 45 होगा तो मैक्सिमम होती है, कल की थी ना बात हमने, लेकिन ये एंगल हमने हॉरिजॉन्टल के साथ लिया था। अगर ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 45 का है तो वर्टिकल के साथ भी तो वही रहेगा। इसका मतलब है कि ये अगर 45 है तो ये भी तो 45 ही हुआ, ये बदल थोड़ी जाएगा। So it will also be 45, right बेटे। For the maximum horizontal range, आपका theta चाहे with the horizontal हो चाहे with the vertical हो, that must be 45, right? A boy stands at 78.4 meters away from a building. ये building है कोई, ये building से एक boy 78.4 मीटर के डिस्टेंस पे यहां पे खड़ा है, राइट। एंड ही थ्रोज ए बॉल विच जस्ट एंटर्स ए विंडो 39.2 मीटर हाई। यहां पे एक विंडो है 39.2 मीटर की हाइट पर, इसने एक बॉल थ्रो की, वो जस्ट इसमें एंटर कर गई है। द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल इज रिक्वायर्ड। इस बॉल की जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, ये आपका यहाँ पे था भी क्वेश्चन, आई वाज जस्ट गिविंग दिस बेटा। रेंज आपके पास है और फर्दर मोर आपको उन्होंने दिया हुआ है मैक्सिमम हाइट बेटे। सो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 78.4 आपका मैक्सिमम हाइट तक का डिस्टेंस है, तो रेंज इसका बेटे डबल हो गया, इट इज 2 × 78.4 मीटर्स के बराबर रेंज आ गया बेटा। रेंज का फॉर्मूला डियर चिल्ड्रन याद है कि भूल गए, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज है, ठीक हो गई बात बेटे। अब आपको देखो उन्होंने वर्टिकल हाइट भी दी हुई है, हाइट का फॉर्मूला क्या था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसको और इसको आप एक को दूसरे से डिवाइड कर दो, आपका सब कुछ निकल जाएगा बेटा, राइट। फिर से ध्यान दीजिएगा, ए बॉय स्टैंड्स एट 78.4 मीटर्स फ्रॉम ए बिल्डिंग एंड थ्रोज ए बॉल विथ जस्ट एंटर्स ए विंडो 39.2 मीटर हाई। ये मैक्सिमम वर्टिकल हाइट हो गई।
द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल इज रिक्वायर्ड, यू चाहिए आपको। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे यू कट जाएगा, जी कट जाएगा, पहले थीटा आएगा, थीटा को फिर आप इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, अपने आप यू आ जाएगा। राइट बेटे कर लोगे, ये यहाँ पे है भी, यहीं से डाल दिया था मैंने ये भी, ठीक है। देन बेटा आपके पास है ए बॉल इज किक्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल, इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 20 meters per second देन द हॉरिजॉन्टल रेंज इज रिक्वायर्ड। आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये एक उन्होंने एक्सिस आपको दिए हैं ऐसे, ये वर्टिकल एक्सिस हैं, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैं। ए बॉल इज किक्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल, इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 60 डिग्री का हो गया ये, राइट जी। और इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 20 meters per second, इधर को कंपोनेंट u cos थीटा ये आपको दिया गया है 20, u निकल जाए cos 60 कितना होता है, cos 60 हाफ होता है, तो u इंटू 1/2 इज इक्वल टू 20, u 40 आ गया। देन इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज रिक्वायर्ड, रेंज होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, तो ये कितना बन गया पुत्र जी, 40 का स्क्वायर साइन ऑफ 2 इंटू 60, राइट जी, डिवाइडेड बाई g, तो देख लीजिएगा जो भी आएगा हो जाएगा, अब कोई दिक्कत तो नहीं आएगी पुत्र। देन एट द हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल पूछा गया है, हाँ जी बेटे बताओगे आप, एट द हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कितना होता है जी, जीरो, जीरो, वेरी राइट वेरी राइट। ये देखिए मान लीजिए ये आप ही हैं, ग्राउंड पे खड़े हो आप, और आपने क्या किया एक बॉल थ्रो कर दिया अपवर्ड डायरेक्शन में, ये बॉल जा रहा है जा रहा है जा रहा है और यहां से वापस आना स्टार्ट हो जाता है, फॉर ए मोमेंट इट इज एट रेस्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट बेटा, सो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का एट द हाईएस्ट पॉइंट फॉर ए मोमेंट इज ऑलवेज जीरो बेटे, राइट। देन डियर चिल्ड्रन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सौखे सौखे से ही हैं, ये भी देख लीजिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड असर्शन इज फॉलोड बाय द रीजन, चूज ए ऑप्शन इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है जी। दूसरी बात, चूज द ऑप्शन बी इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तीसरी बात, assertion is true but the reason is false। चौथी बात, both assertion and reason are false। ये तीसरा और चौथा पॉइंट अलग अलग questions, अलग अलग papers में अलग अलग हो सकते हैं, कहीं पे वो लिख देता कि दोनों false हैं, कहीं पे इनको ध्यान से पढ़ के ना paper में तब आपने काम करना है, इसको ऐसे ही बिना पढ़े नहीं चल पड़ना। पहली दो options जो हैं इसके A और B वो almost सबके लिए same ही होती हैं, तीसरी चौथी बदल देते हैं examiner, ध्यान रखिएगा। आपको कहा गया है, हाँ जी असर्शन है बेटा, रॉकेट इन फ्लाइट इज नॉट एन इलस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, बिल्कुल ठीक बात है, वो प्रोजेक्टाइल नहीं होता। रीजन क्या है, रॉकेट टेक्स फ्लाइट ड्यू टू द कंबस्शन ऑफ द फ्यूल एंड डज नॉट मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, बिल्कुल ठीक है ये भी बात, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ए आ जाना चाहिए। मतलब कि ये सिर्फ ग्रेविटी के अंडर मूव नहीं करता, इसका इंजन भी काम करता है रॉकेट का, ठीक है बेटा। अगर ग्रेविटी के अंदर मूव करता तो फिर तो ये प्रोजेक्टाइल ही बन जाना था, है ना, यस। देन पुत्र जी 15th क्वेश्चन, असर्शन है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.005 is 1 and in 0.500
इज थ्री, इसमें एक है इसमें तीन है, आपको करना क्या है असर्शन दे दिया रीजन दिस इज बिकॉज जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये बात गलत हो गई। आई थिंक ऐसा हमने किया भी था, मुझे थोड़ा याद आ रहा है ना, ये रीजन गलत है असर्शन ठीक है, जीरोज हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं, इस केस में सिग्निफिकेंट भी हैं, ठीक है जी। अब ऑप्शन इसमें आपका फिर बनेगा सी बनना चाहिए, ठीक है। अब देख लेना उधर क्या है, असर्शन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकंड हैज द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी एस एन, आप अभी अभी कर रहे थे ना, इट हैज द यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी बिकॉज आप टाइम से डिवाइड कर रहे हो, तो बिल्कुल ठीक है बात। और रीजन दिया गया है बिकॉज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन पर्टिकुलर सेकंड, ठीक ही लग रहा है मुझे ये तो, है ना, ये एक पर्टिकुलर सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड है, तो ये दोनों ठीक लग रही है बातें। 17th क्वेश्चन बेटा, लाइट ईयर एंड वेवलेंथ बोथ मेजर द डिस्टेंस, ठीक बात है। रीजन है बोथ हैव द डायमेंशंस ऑफ टाइम, रीजन गलत हो गया, ये सी ऑप्शन बन जाना चाहिए। 18th, व्हेन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इट्स रेंज इज मैक्सिमम, बिल्कुल ठीक है। रीजन फॉर द मैक्सिमम रेंज द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1, बिल्कुल ठीक, अभी अभी कर रहे थे हम, ये ए ऑप्शन बन जाएगा। नॉलेज बेस्ड वाले भी देखिए, दो लास्ट क्वेश्चंस, 19 नंबर है, ए बॉडी कैन नॉट हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिंग वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड ए कांस्टेंट स्पीड एंड एन एक्सेलरेशन एंड ए कांस्टेंट स्पीड ही चाहिए, अगर स्पीड कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट रह गया, तो एक्सेलरेशन तो फिर आपका नहीं हुआ ना, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। डियर चिल्ड्रन लास्ट वाला है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स अलोंग वाई एंड जेड एक्सिस इज इक्वल टू व्हाट, वाई एक्सिस के अलोंग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कौन सा होता है वाई सर? हाँ जी, क्वेश्चन ने इनकरेक्ट नहीं पूछा? नाइनटीन्थ क्वेश्चन रिपीट कर दो एक बार। नाइनटीन्थ में था ए बॉडी कैन नॉट हैव, फर्स्ट ऑप्शन था कांस्टेंट स्पीड बट वेरिंग वेलोसिटी, सेकंड था एन एक्सेलरेशन एंड ए कांस्टेंट स्पीड, थर्ड था कांस्टेंट वेलोसिटी वेरिंग स्पीड नॉन जीरो स्पीड एंड नॉन जीरो एक्सेलरेशन, राइट बेटा। लास्ट है बेटा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स अलोंग वाई एंड जेड एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग ये जे कैप होता है, जेड एक्सिस के अलोंग के कैप होता है, जे डॉट के कितना आएगा पुत्र? हाँ जी, जे डॉट के आएगा कुछ की नहीं, नहीं 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 बेटा, वन आएगा, बिल्कुल ठीक। जब भी आप डॉट प्रोडक्ट की बात करते हो, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकेंड एंड कॉस ऑफ एंगल, इनके बीच में 90 आ गया, कॉस 90 आ जाएगा ना, ये कॉस 90 जीरो होता है, तो इट विल बी जीरो। नहीं समझ आई बात, वन क्यों आएगा भाई? ये देखो, ये आपके तीनों एक्सिस आपको दिए गए हैं, इनको आप वाई एक्सिस कह दो, इनको जेड एक्सिस कह दो, इनको एक्स एक्सिस कह दो, इधर वाला जे कैप, इधर वाला के कैप, आप जे डॉट के निकालना चाहते हो ना, तो इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप वन आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप वन आ जाएगा, एंगल इनके बीच में 90 है, तो दैट विल मेक एवरीथिंग जीरो बेटा, है ना सर? 19th क्वेश्चन ऑप्शन सी आएगा आई थिंक। सी कौन सा ऑप्शन था? अब मैंने बंद कर दिया बेटे, अब पेपर वाला मुझे बी एंड वेरिंग वेलोसिटी एंड कांस्टेंट स्पीड वाला, वेरिंग वेलोसिटी एंड कांस्टेंट स्पीड नहीं हो सकती,
नो सर, अगर मैग्नेट वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो उसका मैग्नीट्यूड भी तो कांस्टेंट होगा। हाँ। चलिए एक बार बाकी की ऑप्शंस भी बेटे चेक कर लेना क्या लिखी हुई है, ठीक है बेटे? सो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको आंसर कर सकते हैं। मेरा पर्पस ये बताने का था कि आपको अगर कंटेंट बेस्ड और असर्शन रीजन बेस्ड या केस स्टडी बेस्ड या सिंपल एमसीक्यूज आ जाएं तो आपको अकॉर्डिंगली किस तरीके से उनको डील करना है। तो ये छोटे छोटे मैंने इनके लिए हिंट भी आपको दिए हैं, सो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना ये सारे का सारा सेटअप बेटे देख लीजिएगा। राइट बेटा, आइए बेटे आगे अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आई वाज प्लानिंग फ्यू न्यूमेरिकल्स मोर रिलेटेड टू द वेक्टर प्रोडक्ट बेटा, तो अब फिर मैं आपको एक दो करवाता हूं, बाद में करेंगे बाकी के न्यूमेरिकल जो था। That was yes बेटे, थोड़ा सा देखिएगा। फॉर वट वैल्यू ऑफ स्मॉल एम, फॉर वट वैल्यू ऑफ स्मॉल एम द वैक्टर्स ए वैक्टर इज गिवन टू बी बेटा 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप, एंड बी वेक्टर इज गिवन टू यू टू बी 3i कैप माइनस mj कैप प्लस इट्स 6k कैप। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू बेटे ईच अदर। तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन हमारी क्या होती है बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो तो हमारे वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। आप इनका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, आई वाले को आई वाले से, जे वाले से, के वाले को के वाले से सीधा ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। इट विल बी 3 2s are 6 minus 3m -36 इज इक्वल टू 0। ये आ गया -3m -30 इज इक्वल टू 0 एंड -3m इज इक्वल टू 30, m -10 के करीब आ रहा है। जरा चेक करिएगा बेटा ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट और नॉट। आ रहा है बेटे, छोटा सा लास्ट क्वेश्चन एक और है बेटा। बेटे आ गया ना 10। एक वेक्टर ए वेक्टर आपको बेटे दिया गया है और लेट मी राइट इट्स स्पेसिफिकेशन 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप। 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप। बी वेक्टर इज -2i कैप -5j कैप प्लस 7k कैप। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स बेटा, आपको इनके बीच में एंगल ढूंढना है। इनमें एंगल कितना होगा बेटा, तो यू विल डायरेक्टली मेक यूज ऑफ द फैक्ट दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस ऑफ एंगल थीटा या कॉस थीटा। इट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए और बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। ए डॉट बी कितना आया, 4 2s are -8 -30 -38 एंड -21 कितना बन गया, चेक करिएगा। -59 का आ गया है ना, और इतना ही बना ना। इसका मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर 6 का 3 और इसका स्क्वायर करिएगा। -59 आ गया है ना, इसका -78 आता है, 78
चेक करिएगा, चेक कर लेना बेटे जरा, ये 61 बन रहा है यहाँ पे, ये वाला चेक करना दोबारा जरा, सिक्सटी वन बनेगा, ठीक है, ठीक कर लीजिएगा, ये 61 बनेगा। और थीटा जो होगा दैट विल बी कॉस इनवर्स ऑफ -59 √61 √78, राइट बेटे? थैंक यू बेटा, बाकी कल देखते हैं।